खोरावार पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में जब्तशुदा मकान का सील तोड़कर मकान में रहने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को देवरिया बाईपास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मोतीचंद पुत्र स्वर्गीय बुद्धू निषाद, दूसरा राजेश निषाद पुत्र मोतीचंद निवासी करसिकटौर टोला करमैया थाना खोरावार जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। तीसरा जयहिंद निषाद पुत्र मोतीचंद निषाद निवासी घर सिकटौर टोला करमैया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर का मकान जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर 18 अगस्त 2020 को यूपी गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा पुलिस टीम की मदद से जब्त कर सील कर दिया गया था। पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त अभियुक्तगण सीलशुदा मकान का ताला तोड़कर सपरिवार असंवैधानिक तरीके से स्वयं व तथ्य को छुपाते हुए रिलायंस कंपनी के कर्मचारी गण को किराए पर दिया है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछे जाने पर उन लोगों ने बताया कि कमिश्नर महोदय के आदेशानुसार मेरा मकान अवमुक्त कर दिया गया है। जब अवमुक्त आदेश की प्रति मांगा गया तो दूसरी पत्रावली प्रस्तुत किया जो अवमुक्त आदेश नहीं था, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खोराबार थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक रिजवान अहमद, कांस्टेबल अजीत यादव, कृष्ण कुमार गुप्ता शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, अच्छा तो आज भेजो ना, सचिन की उंगली फ्रैक्चर हुई थी। सर कुछ कुछ कर रहा है, किसी पत्नी पर दान है नहीं सर, बताओ जनपद गोरखपुर के थाना खोराबार अंतर्गत एक गैंगस्टर के अपराधी द्वारा गैंगस्टर में सीज किए गए मकान को इलीगल रूप से उसको खोलना एवं उसको पिछले एक साल से प्रयोग कर रहे, इस बात की सूचना एक मुखबिर खास ने थाना खोराबार इंस्पेक्टर को दी और उस पर पता तस्दीक कराया गया तो पता चला कि वास्तव में पिछले एक साल से उसको किराए पर लगा रखा है। इस बात की जानकारी होने पर उसके खिलाफ 128, 420, 447 तीन सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उन अभियुक्तों के नाम मोतीचंद स्वर्गीय बुद्धू निषाद एवं राजेश निषाद, जिस पर 2018 में थाना खोराबार से गैंगस्टर हुआ था और 2020 में उसकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। इस प्रकार अपने जिला अधिकारी महोदय द्वारा पारित किए गए आदेश की अवहेलना करने एवं इस व्यक्ति द्वारा बताया गया, जब पुलिस द्वारा पूछा गया पूर्व में कि आप इस प्रकार इस घर में क्यों निवास कर रहे हैं, तो उसने बताया कि मैंने कमिश्नर महोदय के यहाँ से इस ज़मीन को रिलीज़ करवा लिया है एवं इसमें मैं अब रहवास कर सकता हूँ। बीच में जब से आदेश की कॉपी मांगी गई तो बीच में टालमटोल करता रहा, लेकिन जब अब पुलिस द्वारा उसमें दोबारा पूछताछ की गई नहीं बता पाने पर, ये उसकी अवहेलना मानते हुए और किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट ना पाए जाने पर एक अन्य मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, दोनों गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। थैंक यू।